मगर ये परिषद नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हम लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की। उन्होंने जो हॉल हम लोगों ने बुक किया था वो हॉल दबाव डालकर रद्द करवाया। तो वो ऐसा सोचते थे कि जाटों ने अपना हॉल उनके कहने पर रद्द करवाया तो हम उनके साथ झगड़ा करेंगे, जाटों के साथ, क्योंकि उनकी फितरत इसी ब्राह्मण जो है वो लड़ाने का झगड़ाने का ही कार्यक्रम में लगा रहता है 24 घंटे। तो हमने ऐसा नहीं किया, दूसरा हॉल बुक कर दिया। उनको मैसेज किया कि हम मान नहीं रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे, हम अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। तो 26 तारीख को उन्होंने कोई जयहिंद नाम का कोई ब्राह्मण है, उन्होंने फरसा दिखाया कि देखा इस्लाम जी, याद रखो इधर आओ मत, ये फरसा है। हमने मनोरंजन कर लिया अपना देख के, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर उनको मैसेज गया कि डर नहीं रहे, अच्छा दिखाने के बाद भी नहीं डर रहे। उनको मैसेज गया कि नहीं, कार्यक्रम तो करने वाले हैं। फिर उन्होंने दूसरा जो हॉल बुक किया गैर कानूनी तरीके से, उसको नोटिस दिया, उसको नोटिस दे दिया। तो उन लोगों ने ऐसा करने के बाद भी उनको यकीन नहीं था कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, करेंगे ऐसा ही यकीन था उनको। इसलिए अभी जब मैं कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो उधर से टेलीफोन आ रहा था कि ये जो छोटू राम, चौधरी छोटू राम जी का जो हॉल है वो छावनी में तब्दील हो गया, पूरी पुलिस लोगों ने घेर लिया है, वहां कोई है नहीं है, हमारा कोई आदमी है नहीं है, वो केवल इसको ही घेर लिया। उनका मकसद ये था कि ये जो डीएनए परिषद हो रही है इसके द्वारा हरियाणा के लोगों में ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो विदेशी है। ये उनका सोच था कि ऐसा होने से हरियाणा के ज्यादा लोगों में चला जाएगा। तो हमने रात में ही निर्णय लिया, पहला निर्णय लिया हमने मीटिंग करके, वही करेंगे कार्यक्रम। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति निर्माण होती है तो हम लोग जो है दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे और वो कार्यक्रम सारे देश और दुनिया को देखने और सुनने को मिले, उसके लिए लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो ये लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था करवा दी है, सारे देश और दुनिया के लोग देख रहे। तो मैं जिन ब्राह्मणों ने या हरियाणा की सरकार ने हमारे संवैधानिक अधिकार का जो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसका वायलेशन कोई सरकार या प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने उसका वायलेशन किया, हमारा क्या कहना था? हमारा यह कहना है कि यदि देश में ब्राह्मण अपनी बात कहना चाहते हैं और उनको अगर कोई हॉल नहीं देते हैं तो मैं ये अंबेडकर भवन के लोगों को बोलूंगा, अरे देखो भाई बोलने को
कर गए तो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, तो ये ब्राह्मण अपनी बात कहना चाहते हैं, कहो। हमारा ये कहना है कि आर्टिकल 19 के तहत भारत के सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी जाति का हो सकता है, उसको कार्यक्रम करने का, अपना विचार व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का, उसका प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार है, सारे देश के लोगों को है, ब्राह्मण को भी है। हम अपने विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि इससे जो है भाईचारा बिगड़ता है। उनका ये कहना है, इसमें उन्होंने लिखा, ये अखबार में आया, इसमें लिखा, ये रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है, भाईचारा बिगड़ता है। उनका कहना है इससे भाईचारा जो है बहुत अच्छा भाईचारा है, ऐसा वो कहते, वो बिगड़ जाएगा। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर लोगों को चार टुकड़ों में बांटा, फिर उन्होंने जाति व्यवस्था बनाकर 6,247 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा, उसमें उन्होंने ऊंच नीच की व्यवस्था की, तुम नीचे हो हम ऊपर है, ऊंच नीच की व्यवस्था की, इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो अस्पृश्यता का निर्माण किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, पिछड़े वर्ग के जो ओबीसी के लोग हैं उनको शूद्र कहकर, शूद्र संबोधित कहके उन पर शूद्रत्व थोपा, महिलाओं को दास बनाया। ये इतना सारा काम उन्होंने 2,500-3,000 साल पहले किया, और सारा का सारा जो भाईचारा था उसका सारा सत्यानाश कर दिया। इतना ये जो जितनी बातें आपको बताया ना, वर्ण व्यवस्था ने भाईचारा का सत्यानाश किया, जाति व्यवस्था ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, अस्पृश्यता ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपकर भाईचारा और ज्यादा सत्यानाश हुआ, यानी ब्राह्मणों ने जितनी व्यवस्थाएं बना ली वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सत्यानाश, भाईचारा का सत्यानाश करने वाली है। और वो सत्यानाश करने वाली जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उन्होंने परमानेंट बनाई, वो खत्म करने के लिए ब्राह्मण कोई आंदोलन नहीं चला रहा है, उसको बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहा है। मगर वो कहते क्या है, वामन मिश्राम के हरियाणा में आने से भाईचारा मिल जाएगा, जो परमानेंट सदा सत्यानाश कर दिया, वर्ण व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर, अस्पृश्यता बनाकर, आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके, ओबीसी को 3,743 जाति के टुकड़ों में बांट के, ऊंच नीच की व्यवस्था बना के, महिलाओं को दास बनाकर, घुमंतु जातियों को क्रिमिनल बनाकर, ये सारा का सारा सत्यानाश कर दिया भाईचारे का। वामन मिश्राम हरियाणा में आने के बाद भाईचारा खराब हो, अबे पहले से ही खराब हो गया, सत्यानाश हो गया भाईचारे का, और वो भाईचारा आप लोगों ने परमानेंट सत्यानाश कर दिया। केवल केवल और केवल हम लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, भारत में हमारे अलावा इस सत्यानाशी व्यवस्था को खत्म करने का ऐलानिया काम हमारे अलावा कोई करता ही नहीं है, हम ही कर रहे हैं।